जैसा कि आप सभी जानते हैं, जियो फोन मार्केट में आने से पहले काफी बज में था, पर आज की इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इसे ज्यादा ले पा रहा है। इसका अपन अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसमें जिसे इस वजह से लिया जा रहा है। या जैसा कि आप सभी जानते हैं, जियो फोन पहले की 500 रुपीज की बुकिंग वालों के लिए अवेलेबल है और अपनी जल्द ही वापस ये बुकिंग रिज्यूम करने वाला है। उसके अंदर आप अपना चाहे तो 500 रुपीज को ऑनलाइन अपने माय जियो ऐप से ट्रांसफर करके बुकिंग कर सकते हैं फोन की, या फिर अपने पास में नियर बाय रिटेलर या फिर जियो एक्सप्रेस में जाकर के 500 रुपए दे करके अपना फोन बुक करवा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यांशु व्यास और आज हम करेंगे जियो फोन की अनबॉक्सिंग। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिया है फोन एक रिलायंस लिमिटेड स्टोर से, जियो एक्सप्रेस कह सकते हैं जिसे आप, और उन्होंने मुझे काफी बिल बड़ा दिया है और उसका टोटल प्राइस आया है 1153। चलिए देखते हैं फोन पे क्या लिखा हुआ है। वॉच ऑन टीवी बाय सिंपली कनेक्टिंग अ केबल अभी तक शायद मार्केट में है नहीं। पावर्ड बाय KaiOS, जैसा कि हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर एंड्रॉइड OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर KaiOS। फोन के ऊपर कुछ लेबल्स भी है जिसे ये कंपनी अपने फोन को देते हुए अपने फोन के स्टिकर्स हटा लेती है, कुछ अपने पास रखती है और कुछ शायद आपको फोन रिटर्न करते वक्त वापस देना है। जिस पे आपका मॉडल का F615 दिया हुआ है, RSN कोड दिया हुआ है और IMEI नंबर दिया हुआ है जिसे आपका फोन को कभी खोने पे आप लोकेट कर सकते हैं। और साथ में नेट क्वांटिटी जो फोन में दी गई है वो हर क्वांटिटी की चीजें एक है। 1 हैंडसेट है, 1 अडेप्टर, 1 बैटरी, 1 OSG, 1 वारंटी केबल, 1 गारंटी कार्ड एंड 1 GSM। साइड में वही वापस ICCID नंबर, कोड RSN कोड, EAN कोड, IMEI कोड और योर जियो प्रीपेड प्लान 153 का, जिसे आपने वॉइस कॉलिंग है, फ्री लोकल STD रोमिंग कॉल्स टू एनी ऑपरेटर इंडिया, डाटा अनलिमिटेड है, दैट इज अप टू 1 GB, उसके बाद 0.5 GB एंड आफ्टर 120 उसके 0.5 GB के बाद में आपकी पावर जो होगी वो टोटल हो जाएगी 128 KBPS में, जिसे अब शायद कंपनी ने अब गिरा करके 164 KBPS तक कर दिया है। SMS प्लान है 300 पर डे जियो ऐप से, जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको शायद लाइफ टाइम मिलेगी जब तक आप इस फोन को यूज़ करेंगे। वैलिडिटी हर पैक की 153 पैक की 28 डेज रहेगी और बाकी सब चीज़ें आप इसमें फ्री यूज़ कर सकते हैं जो कि रियो टे रिलेटेड है या फिर जियो अपने अपडेट में देगा। फ़ोन के फीचर्स कुछ दिए हैं, HD वॉइस कॉल, HD वीडियो कॉल, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, 2000 mAh बैटरी, वायरलेस FM रेडियो, GPS, ब्लूटूथ, 512 MB रैम एंड 4 GB मेमोरी, वॉइस असिस्टेंट, MicroSD कार्ड अप टू 128 GB सपोर्ट है और मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है। वाईफाई कनेक्टिविटी है, 2 MP का फ्रंट बैक कैमरा और VGA कैमरा फ्रंट है, 2.4 इंच का QVGA TFT डिस्प्ले जिसके आपका स्क्रीन का है और HD वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। चलिए हम फोन के अनबॉक्सिंग करते हैं, देखिए इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। एक 4G फोन जियो वाला, इसके कुछ केबल आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जिसे हमको फोन को वापस रिटर्न करते हुए शायद जरूरत पड़े, एक चार्जिंग केबल और एक बैटरी, वो तो रखते हैं साइड में और फोन को हम चालू करते हैं। फोन देखने से तो प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है, बट देखते हैं काम कैसा करता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सिम आती है, शायद इसमें कोई दूसरी नहीं लग सकती, पर इसमें एक 128 GB तक सपोर्ट करने वाला एक MicroSD कार्ड लग सकता है। आप चाहे तो अपने सिम को वेरीफाई कर सकते हैं ये लोगो देख करके। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम इसको चॉल होने के लिए छोड़ रहे हैं बूटिंग टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं, जियो फोन का चार्जर है जिसके स्पेसिफिकेशन है 500 वोल्ट 700 mAh का करंट, MAA का करंट और 50-60 हर्ट्ज पे दोनों पे वर्क करेगा 0.2 mA करंट पे। वायर का क्वालिटी प्रीमियम है, उसका सॉलिड डिज़ाइन है दोनों का आप देख सकते हैं और वायर भी एकदम आजकल ट्रेडिशनल नहीं है, चार्जिंग स्लॉट भी, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेड इन चाइना है। ये हमारा हो गया फोन चालू करते हैं।
और उसके बाद में इसका काफ़ी अपडेट फ़ोन का क्या क्या फीचर्स है हम देख लेते हैं। फ़ोन वोल्ट सपोर्ट है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फ़ोन जियो भी सपोर्ट करता है, सिंगल सिम है फ़ोन। और इसके अंदर जो नेचुरल एप्स है वो सिंपल यही है, जैसा कि आप सभी इसमें देख रहे हैं कि फ़ोन के अंदर एक हॉटस्पॉट नहीं है और जियो एप्लीकेशन इसके अंदर कोई कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। मोबाइल डाटा नेटवर्क ऑन ऑफ का है और उसके बाद में कहीं पर भी हॉटस्पॉट का ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से शायद इसकी बिक्री पे इसकी सेलिंग पे कुछ फ़र्क पड़े। और पर्सनलाइजेशन में अंदर आप साउंड का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, डिस्प्ले में ऊपर जाके बैक शायद इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और इसका अपडेट में देखेंगे कि फ़ोन के अंदर माई जियो के अंदर काफ़ी सारी जियो की एप्लीकेशन आ चुकी है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इसके अंदर कुछ तो जियो का फ़ोन एप्लीकेशन आई है, साथ में कुछ मार्केट की मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ गई। मनी कंट्रोल जो जियो फ़ोन को यूज़ करने वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जियो सिनेमा, नरेंद्र मोदी ऐप आ चुका है, बुक माई शो आ चुकी है, माई जियो आ चुका है, जियो एक्सप्रेस न्यूज़ है, जियो पे है, म्यूज़िक है, टीवी है और फर्स्ट पोस्ट है, जिसके अंदर आप अपना कोई भी न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, जियो चैट है, जियो गेम्स है। और साथ में इसका अभी तक कोई हॉटस्पॉट नहीं, जैसा कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इसके अंदर जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट है या नहीं है, पर अभी तक कहीं पर भी इसका हॉटस्पॉट नहीं है। सुनने में आ रहा है कि शायद कंपनी कह रही है कि शायद दिसंबर एंड या जनवरी शुरुआत में कंपनी इसके अंदर हॉटस्पॉट दे। अभी तक इसका कोई भी हॉटस्पॉट नहीं है। फोन उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, पर शहरी लोगों को शायद इतना काम का नहीं लगे ये। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारा प्लीज चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल बटन को दबाएं जिससे आपको हमारे ताज़ा नोटिफिकेशन मिलते जाएं। और प्लीज कोई भी डाउट्स हो तो जियो फोन के रिलेटेड आप हमको कमेंट बॉक्स में डालें, हम लोग आपके जरूर कमेंट्स को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।